अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्टैटिस्टिक्स के आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले हाइपोथेसिस के डेफिनेशन के टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। प्रोसीजर इन विच सैम्पल डेटा आर यूज टू डिसाइडेड अदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट और एन अजम्पशन अबाउट द वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर। यहाँ हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो पॉपुलेशन का पैरामीटर्स हमें गिवन है, म्यू गिवन होगा यहाँ पर, मीन गिवन होगा पॉपुलेशन का, कि वो ट्रू है, रिजेक्ट करें उसे या एक्सेप्ट करें। एक प्रोसीजर के ज़रिए सैम्पल्स के डेटा को यूज़ कर हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं कि जो वैल्यू गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उस प्रोसीजर को हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। सच अ स्टेटमेंट ऑफ असम्पशन विच मे और मे नॉट बी ट्रू। जो अजम्पशन जो स्टेटमेंट हमें गिवन होता है वो पॉसिबल है कि ट्रू हो या ट्रू ना हो, ये कहलाता है आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इसके बाद हमें एक डिसीजन पर पहुंचना होता है। टू अराइव एट सर्टेन डिसीजन वी यूज सर्टेन स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर विच आर कॉल्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। जो भी सैम्पल का डेटा गिवन है हमें, उसे यूज़ करके जो पैरामीटर्स हमें गिवन है हाइपोथेसिस के ज़रिए, हम फाइंड आउट करते हैं कि वो पैरामीटर यानी पॉपुलेशन का जो वैल्यू गिवन है म्यू की, मीन जो गिवन है वो दुरुस्त है या नहीं। और जिस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं डिसीजन लेने के लिए वो हमारा कहलाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी कहते हैं, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस भी कहते हैं और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। सबसे पहले नल की बात कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस वो होता है जो जिसको हम चेक करना चाहते हैं। द हाइपोथेसिस विच वी वांट टू टेस्ट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, इट इज़ डिनोटेड बाय एच नॉट। वो हाइपोथेसिस को आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू ट्रू है या नहीं है, सही है या गलत है, वो नल हाइपोथेसिस कहलाता है। इसे आप एच नॉट से शो करते हैं। इसके अगेंस्ट में जो हाइपोथेसिस आप इस्टेब्लिश करते हैं वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाता है। द हाइपोथेसिस अपोजिट द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसे हम शो करते हैं H1 से। तो सबसे पहला काम जो हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए करते हैं, वहाँ पर हमें H0 क्रिएट करना होता है और H1 क्रिएट करना होता है। H0 जिस चीज़ को, जिस अजम्पशन को, स्टेटमेंट को आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो ट्रू है या नहीं, वो आपका H0 है। और उसका अल्टरनेटिव जो भी आपने काम किया, जो भी स्टेटमेंट बनाया, वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगा, जैसे आप H1 से शो करते हैं। इसके बाद हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश कैसे होते हैं, इस्टेब्लिशिंग का प्रोसीजर क्या होता है। अगर H0 यानी नल हाइपोथेसिस म्यू, मतलब यहाँ शो कर रहा है ये पॉपुलेशन के पैरामीटर मीन को शो कर रहा है, तो ये अगर म्यू की वैल्यू 50 के बराबर है, H0 नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है, तो अल्टरनेटिव जो हम बनाएंगे वो H1 क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है, म्यू पॉपुलेशन का जो मीन है वो बराबर नहीं है 50 के। इस तरह एस्टैब्लिश करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस में इक्वल टू है तो अल्टरनेटिव में हम इज नॉट इक्वल टू शो करेंगे। अगर H0 में नल हाइपोथेसिस में आपसे कह रहे हैं कि इक्वल टू 50 कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है, कि म्यू की वैल्यू इसके बराबर है, तो इस्टेब्लिशिंग H1 यानी अल्टरनेटिव बनाते वक्त हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो म्यू की वैल्यू है वो लेस देन है 50 से। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर H0 म्यू बराबर है 50 के, तो H1 ये हो सकता है कि मोर देन 50 हो, ज़्यादा हो सकता है। या अगर H0 में लेस देन इक्वल टू 50 है, तो H1 इसका अल्टरनेटिव होगा कि ग्रेटर देन 50 होगा। इसके साथ ही अगर H0 म्यू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 50 है, तो H1 लेस देन होगा। सिंपल सी बात ये कि H0 जो हम बनाएंगे उसका अल्टरनेटिव, जो भी बात हमने H0 में कही है वो हम H1 में उल्टा, मतलब क्रिएट कर रहे होंगे, अल्टरनेटिव बना रहे होंगे। इसके बाद टाइप 1 और टाइप 2 एरर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप 1 एरर जो है वो अल्फा से शो करते हैं और टाइप 2 एरर जो है वो बीटा से शो करते हैं। यहाँ पर हम टाइप 1 को कंसीडर करेंगे कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसमें एरर के चांसेस होते हैं, तो अल्फा शो करता है प्रोबेबिलिटी को। किस चीज़ का एरर, रिजेक्टिंग द H0। H0 यानी उस स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट कर दें जो कि क्या था, ट्रू था, व्हेन H0 इज ट्रू। जबकि नल हाइपोथेसिस ट्रू था और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये टाइप 1 एरर कहलाता है। इसे हम अल्फा से शो करते हैं। अभी हम टाइप 1 एरर ही डिस्कस करेंगे। ये चार्ट के जरिए बताया गया है यहाँ पर कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर किस तरह होते हैं। H0 ट्रू हो और हम इसे जो है वो करेक्ट डिसीजन होता है हमारा, अगर ट्रू को हमने रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर है, और अगर फॉल्स को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर होता है।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा को डिस्क्राइब कर रहा है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप वन एरर इज ऑल्सो कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अल्फा को जो टाइप वन एरर था हमारा कि हम कुछ मिस्टेक कर सकते हैं डिसीजन लेने में, परसेंटेज जो हमने वहाँ पर कैलकुलेट की थी, चांसेस जो कैलकुलेट किए थे, उसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है. इसको हम शो करते हैं अल्फा से और ये आप ये इसकी वैल्यू सवाल में गिवन होती है. Whenever we test a given null hypothesis, we fix certain amount of alpha in the very beginning of the problem. Starting में ही हमें सवाल में alpha की value मिल जाती है जब भी हम check करने जाते हैं या test करने जाते हैं null hypothesis को. The level of significance guards against rejecting the null hypothesis when it is true. Basically alpha की value जो है वो हमें support करती है, protection provide करती है जब हम अपने null hypothesis को जो है वो reject कर चुके होते हैं जबकि ये true होता है. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करते हैं. जब हम डिसीजन लेने की तरफ जाते हैं तो हमें फार्मूले के जरिए कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. तो कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर फार्मूलाज यूज़ करते हैं. द डिसीजन टू रिजेक्ट और नॉट टू रिजेक्ट द एच नॉट इज बेस्ड ऑन अ स्टैटिकल टेस्ट कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल डेटा. सैम्पल डेटा को यूज़ करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हम एच नॉट जो बात कही गई जो स्टेटमेंट गिवन है हमें नल हाइपोथेसिस उसे एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट कर दें. इसके लिए हम फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं. यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है जी टी एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. इनके जरिए इन टेस्ट को हम यूज़ करके रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट के डिसीजन पहुँचते हैं. इसके बाद क्रिटिकल रीजन क्या होता है. द मेन जॉब ऑफ डिसीजन मेकर इज टू एस्टेब्लिश अ कट ऑफ पॉइंट दैट कैन बी यूज टू सेपरेट द इंटायर सैम्पल इनटू टू रीजन. यहाँ पर क्रिटिकल रीजन का मतलब ये है कि जो अल्फा को यूज़ करके हम टेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो हमारी डार्क रीजन को शो कर रही होती है, हमारी डार्क क्रिटिकल रीजन को शो कर रही होती है. बेसिकली सैम्पल स्पेस को जो है हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक एक्सेप्टेंस रीजन होता है, दूसरा जो है वो रिजेक्शन रीजन होता है जिसे आप क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं, कट ऑफ पॉइंट भी कहा जाता है, रिजेक्शन रीजन कह दिया इसे. यहाँ पर हमारी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो लाई कर रही होती है. तो अगर हमने सवाल सॉल्व किया और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में आ रही होती है तो फिर हम एच नोट को रिजेक्ट कर देते हैं. ये तमाम बातें जब मैं आपको थ्योरी के जरिए डिस्क्राइब कर रही हूँ इसको हम जब एग्जाम्पल के जरिए जो है वो सॉल्व करेंगे तब हमें ये क्लियरली डिफाइंड हो जाएगा. इसके बाद चलते हैं 1-10 और 2-10 टेस्ट पर. यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जब भी क्रिएट करने जाते हैं नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो वो किस तरह जो है क्रिएट होते हैं. सबसे पहले 2-10 की बात कर लेते हैं. अ टेस्ट ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर द अल्टरनेटिव टू साइडेड इज कॉल्ड 2-10 टेस्ट. सच एज एच नॉट अगर हमें गिवन है म्यू इक्वल टू 50 तो अल्टरनेटिव जो है वो क्या होगा इज नॉट इक्वल टू 50, मतलब 50 के बराबर नहीं है. अब जो हमें चेक करना है या तो 50 से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है या फिर 50 से कम वैल्यू भी आ सकती है, तो हमें दोनों साइड चेक करना है, इसलिए इसको बोलते हैं 2-10 टेस्ट. और 1-10 टेस्ट क्या होता है, जब हम एक साइड चेक कर रहे होते हैं. अ टेस्ट ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर द अल्टरनेटिव वन साइड इज कॉल्ड 1-10 टेस्ट. सच एज जो एच नॉट की वैल्यू अगर बराबर है म्यू की वैल्यू 50 के तो एच वन जो होगा तो लेस देन होगा या फिर मोर देन होगा. अगर एच नॉट जो है वो लेस देन है और इक्वल जो है तो फिर अल्टरनेटिव जो है वो मोर देन होगा. 1-10 टेस्ट में यहाँ पर मजीद डिस्क्राइब किया गया है. 1-10 इसे राइट टेल टेस्ट को अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं एग्जाम्पल के जरिए. एक स्टडी की गई, वहाँ पर जो है वो बैटरी की मीन लाइफ निकाली गई, मीन लाइफ कैलकुलेट की गई जो कि क्या है ग्रेटर देन द प्रेजेंट बैटरी लाइफ ऑफ 35 आवर्स. इन दिस केस इसमें क्या है ग्रेटर देन प्रेजेंट बैटरी लाइफ बता रहे हैं 35 आवर्स है, तो एच नॉट जो होगा म्यू जो होगा वो लेस देन या फिर इक्वल टू 35, क्योंकि ये जो बात कही गई है कि बैटरी की लाइफ ज़्यादा है 35 आवर्स से तो ये हमारा एच वन है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है. और यहाँ पर हमारी म्यू की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन का वर्ड यूज हो रहा है इसलिए म्यू ग्रेटर देन 35 और इसका जो नल हाइपोथेसिस होगा वो लेस देन और या फिर इक्वल टू 35 होगा. और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिस तरह होगी क्योंकि हम राइट टेल टेस्ट कर रहे हैं, हम ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं इसलिए ग्रेटर देन इस तरफ होगा और ये जो है वो लेस देन होता है, तो ये राइट टेल टेस्ट होगा और ये वाला रीजन हमारा क्रिटिकल रीजन होगा. एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हमें क्लियरली ये समझ में आ जाएगा. तो बस यहाँ ये समझाना था कि 1-10 टेस्ट इस तरह होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में राइट टेल ये इस साइड वाला वन साइड चेक कर रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं तो ये राइट टेल टेस्ट होगा और वन साइड चेक कर रहे हैं इसलिए 1-10 टेस्ट होगा. आगे चलते हैं 2-10 टेस्ट पर.
पहले वन टेल टेल से राइट साइड हम डिस्कस कर चुके थे, अब लेफ्ट साइड देख लेते हैं किस तरह होता है ये। केमिस्ट ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया और विटामिन लेवल्स जो है वो चेक किया सीरियल में, तो वो ब्लो 25% है। हमें यही जो है वो रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि जो विटामिन की क्वांटिटी है, लेवल्स है, वो ब्लो 20% है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस कुछ इस तरह क्रिएट किए गए हैं कि एच नॉट जो है वो यहाँ पर ब्लो की बात हो रही है, तो हमारा अल्टरनेटिव जो होगा एच वन वो ब्लो मतलब लेस देन होगा 20% से, ब्लो 20% लेस देन 20%, ये हमारा हो गया अल्टरनेटिव। और ये क्या होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। एच नॉट यानी नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन 20%, और क्योंकि सेंटेंस में ब्लो 20% कहा गया था विटामिन की जो है वो लेवल्स इन अ ब्रांड ऑफ सीरियल, तो यहाँ पर लेस देन मतलब ब्लो की कवर्ड, ब्लो कवर्ड यहाँ पर यूज किया गया है लेस देन के लिए, तो वो 20% है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होगी, देखें ये लेफ्ट साइड हम चेक कर रहे हैं लेस देन मतलब ये वाला साइड, राइट टेल टेस्ट में हमने क्या किया था ये इस साइड जो है वो चेक किया था। अभी हम लेस देन की बात कर रहे हैं, तो ये लेस देन इस साइड होगा और वन साइड ही है, वन टेल टेस्ट ही है, क्योंकि हम एक ही साइड चेक कर रहे हैं। हमें क्या चेक करना है कि जो लेवल ऑफ विटामिन हैं वो ब्लो हैं 20% से, 20% से कम हैं, तो कम इस तरफ होगा। अगर ज़्यादा होता तो फिर राइट टेल टेस्ट होता और वो इस तरफ होता। तो ये वन टेल टेस्ट हो गया हमारा, वन साइड चेक कर रहे हैं, 20% ब्लो था, लेस देन था, इसलिए लेफ्ट साइड लेफ्ट टेल टेस्ट कहलाएगा ये। इसके बाद टू टेल टेस्ट की बात कर लेते हैं। स्टडी की गई सैलरी लेवल्स के हवाले से कंपनी ए डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज ऑफ कंपनी बी। अच्छा, सैलरी की बात हो रही है, कंपनी ए जो है वो डिफरेंट है कंपनी बी से, तो इसके हाइपोथेसिस किस तरह बनेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या है कि दोनों फैक्ट्रीज कंपनी ए कंपनी बी बराबर है, लेवल्स आर इक्वल, सैलरी लेवल्स आर इक्वल, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गया। डिफरेंस जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे अल्टरनेटिव, सेंटेंस की फॉर्म में जो बात कही गई है हम उसे अल्टरनेटिव बना रहे होते हैं। तो एच वन हमारा अल्टरनेटिव क्या हो गया कि दोनों की सैलरी लेवल्स में क्या है, डिफरेंस है। न्यू यानी कंपनी ए का जो सैलरी लेवल है इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके, कंपनी बी के। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू गिवन था और हमने इज नॉट इक्वल टू जो है वो एस्टैब्लिश किया है अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अब यहाँ पर हमें टू टेल टेस्ट करने पड़ेंगे, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो लेवल्स हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेवल्स सैलरी का ज़्यादा भी हो सकता है कंपनी ए का कंपनी बी के मुकाबले में, या फिर सैलरी का लेवल्स कम भी हो सकता है कंपनी ए और कंपनी बी का आपस में जब हम कंपेयर करें। तो क्लास ये जो डायग्राम शो कर रही है हमारे पास वो टू टेल टेस्ट को शो कर रही है कि जब हमें इक्वल टू एच नॉट हो और एच वन इज नॉट इक्वल टू हो तो हमें दोनों साइड चेक करना पड़ता है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। और फिर यहाँ पर हम अल्फा को टू से डिवाइड करते हैं और फिर हम एग्जाम्पल के जरिए मजीद इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ ये समझाना है आपको कि टू टेल टेस्ट का मतलब है दोनों साइड चेक करना, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को डिवाइड करके हम टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसके बाद चलते हैं रिजेक्शन रूल पर। मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम जो है वो डिसीजन ले रहे होते हैं कि जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, जो सवाल हमें गिवन है, उसमें कई कई बात जो है वो सही है या गलत है, हम एच नोट को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट कर दें। तो किस रूल को हम जो है वो लेकर चल रहे होते हैं, किस रूल के जरिए हम एच नोट को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर रहे होते हैं। If the calculated value of any test falls in critical region, then we reject H note. अभी critical region क्या है ये पहले explain कर चुकी हूँ, alpha की value के जरिए हम table value निकाल रहे होते हैं, calculate कर रहे होते हैं। अगर हमारी value उसमें मौजूद हो, calculated value हमारी critical region में आ रही हो, तो हम H note को reject कर देते हैं। फिर वही बात कहना चाहूँगी क्लास आपसे यहाँ पर कि ये सब theory अभी हम describe कर रहे हैं, जब example पे जाएंगे तो फिर ये बात हमें clear हो जाएगी। इसके बाद कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, रिजेक्ट एच नोट। अच्छा, सेम यही बात यहाँ की गई है कि एक और रूल ये भी होता है कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो जी टेबल यूज़ किया, टी टेबल यूज़ किया, फिर काय स्क्वायर का हमने जो है वो मेथड यूज़ किया, उसके जरिए जो हमारी वैल्यू आ रही होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो आ रही होती है जी टी या फिर काय स्क्वायर की, वो ग्रेटर देन हो अगर टेबल वैल्यू से, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नोट को। जब भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू फार्मूले की वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हम एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे, और जब भी हमारी फार्मूले से कैलकुलेट की गई वैल्यू कम होगी टेबल वैल्यू से तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे एच नोट को। ये हमारा जनरल रूल होता है, रिजेक्शन रूल या फिर कॉन्क्लूजन।
इसके बाद हम जब सवाल सॉल्व करने जाएंगे तो हमें इन स्टेप से गुजरना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें, टेस्टिंग द पॉपुलेशन मीन म्यू हम कैलकुलेट करने जाते हैं, टेस्ट करने जाते हैं कि जो पैरामीटर हमें म्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है, वो दुरुस्त है या नहीं, हाइपोथेसिस के टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हमें 5-6 प्रोसीजर हैं, स्टेप्स हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ता है नल हाइपोथेसिस। कोई भी सवाल गिवन हो, सबसे पहले उसे रीड करके नल हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, जो कहलाता है एच नोट। इसके बाद हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, एच नोट का अपोजिट एच वन क्रिएट करते हैं। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो अल्फा की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपको सवाल में गिवन होती है, टाइप वन एरर। फिर टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हम कौन सा जो है वो फार्मूला यूज़ करें, जी टी या फिर काय स्क्वायर। इसके बाद क्रिटिकल रीजन हम देखते हैं टेबल वैल्यू के जरिए, क्रिटिकल रीजन को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद रिजेक्शन रूल पर जाते हैं कि हमें जो बात कही गई है वो रिजेक्ट करें या फिर एक्सेप्ट कर दें। तमाम सवालात में हम इन 6 स्टेप से गुजरते हैं। इसके बाद चलते हैं कंडीशन वन पर, अपने पहले फार्मूले पर जो कहलाता है जी स्कोर कहते हैं इसे। कंडीशन वन हमारे पास है, ये फार्मूला जो जी का फार्मूला है हमारे पास यहाँ पर, ये कब यूज़ करते हैं, जब हमने सवाल को रीड किया और सवाल में एन जो है वो लार्ज है या फिर बराबर है 30 के, एन की वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर है 30 के, और सवाल में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यानी पॉपुलेशन का वेरियंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो फिर हम यूज करते हैं ये वाला फार्मूला, जी टेबल यूज करते हैं हम। तो ये हमारी कंडीशन वन हो गई कि हम जी फार्मूले का इस्तेमाल कब करते हैं, जब एन बड़ा हो या बराबर हो 30 के और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन हमें मालूम हो, सवाल में गिवन हो, तो हमने ये यूज करना होता है। यहाँ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्स बार यहाँ क्या शो कर रहा है, सैंपल का मीन है, म्यू क्या है पॉपुलेशन का मीन है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है पॉपुलेशन के, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ सैंपल्स जो आपने दिए गए होंगे सवाल में, उसे शो कर रहा है। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पर ये भी होती है कि बाज़ दफ़ा सवाल में एन जो है वो बड़ा होता है 30 से, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन नहीं होता। यहाँ ये बात लिखी हुई है, इफ़ एन ग्रेटर देन 30 देन द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एज इज ऑफन यूज एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हेन इफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 देन इज रिप्लेस्ड बाय एस। अगर सवाल में एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन की प्लेस पर हम सैंपल का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर सकते हैं, और इस सिग्मा की प्लेस पर हम एस जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो ये और ये सेम फार्मूला है, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था और यहाँ पर अगर गिवन नहीं है लेकिन एन बड़ा है 30 से, तो हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से यानी सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्लेस करवा रहे हैं। ये फार्मूला कब यूज करते हैं, कंडीशन याद कर लीजिएगा, जब भी एन बड़ा हो बराबर हो 30 के या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। इसके बाद कंडीशन नंबर 2, जब एन बड़ा है या बराबर है 30 के, तो हमने जी फार्मूले का इस्तेमाल किया। दूसरी कंडीशन हमारे पास है, जब एन जो है हमारे पास छोटा है 30 से और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं मालूम, तब हम क्या करते हैं, टी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, टी स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला वही है लेकिन अब यहाँ पर फार्मूले सैंपल के डेटा को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और हम ये देखते हैं कि आपकी जो वैल्यू आ रही होती है टेबल की वैल्यू, उससे उसको यहाँ पर जो है वो टी टेबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम। अब जो है वो एन स्मॉल है हमारे पास 30 से, इसलिए हमने टी टेबल का इस्तेमाल किया। फॉर्मूले में यहाँ पर एक्स बार शो कर रहा है सैंपल के मीन को, एस शो कर रहा है सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को। अगर ये गिवन हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, अगर गिवन ना हो तो इस फॉर्मूले के जरिए भी हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, ये जो यूज़ करते हैं वो टेबल वैल्यू जो है वो सर्च करने के लिए हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करते हैं एन माइनस वन। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो क्लास ये 2 हमारे पास कंडीशन हैं, एक जी टेबल और एक टी टेबल। जी स्कोर और टी स्कोर कब यूज करते हैं, कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। अब हम मूव करते हैं सवाल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 1 जहाँ हम यूज करेंगे जी टेबल। सवाल को केयरफुली रीड करना पड़ेगा ताकि हमें क्लियर हो हर चीज़, तो फिर हमें सॉल्व करना आसान रहेगा। यहाँ पर जी टेबल लगेगा या फिर टी टेबल यूज होगा। अ मशीन इज सेट टू फिल सीरियल बॉक्सेस विद अ मीन वेट ऑफ 500 ग्राम्स ऑफ सीरियल पर बॉक्स, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन टू बी 25 ग्राम्स।
मशीन फुलफिल कर रही है सीरियल बॉक्सेस, अनाज के बॉक्सेस, और मीन जो वेट है इसका वो 500 ग्राम है। तो ये बात हो रही है न्यू पूरे मशीन कंप्लीट जो मशीन सीरियल बॉक्सेस फिल कर रही है उसकी बात हो रही है, तो ये हमारे पास न्यू हो गया। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी पॉपुलेशन का हमें यहाँ पर गिवन है 25 ग्राम्स, तो ये हो गया आपके पास सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद सेंटेंस की हमें बात हो रही है सैंपल की, अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 फिल्ड बॉक्सेस इज टेकन एंड द मीन वेट ऑफ सीरियल बॉक्सेस पर बॉक्सेस इज कंप्यूटेड एज 504 ग्राम्स। कह रहे कि जब हमने 100 यानी एन नंबर ऑफ सैंपल्स सेलेक्ट किए, नंबर ऑफ बॉक्स सेलेक्ट किए, तो उसका मीन वेट कितना आया है, एक्स बार यानी मीन ऑफ सैंपल हमारे पास आ गया 504। इज देयर रीजन टू बिलीव दैट मशीन इज ओवरफिलिंग द बॉक्सेस, यूज अल्फा इक्वल टू 0.05, यानी हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दे दिया 0.05। अब हमें इस अपने जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर को फॉलो अप करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे नल हाइपोथेसिस, जो कि क्या है, एच नॉट इक्वल टू म्यू की वैल्यू लेस देन या फिर बराबर है 500 की, क्योंकि उसमें कहा गया था सवाल में कि ओवरफिलिंग, तो एच वन हमारे पास क्या होगा, म्यू की वैल्यू ज़्यादा है 500 से। ओवरफिलिंग का मतलब कि जो बॉक्स फिल कर रही है वो ज़्यादा फिल कर रही है 500 से, मीन जो है वो ओवरफिलिंग की वजह से हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाया है 500, और एच नोट हो गया लेस देन या फिर इक्वल टू 500। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस पहला काम हो गया। दूसरा एच वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि वहाँ पर ओवरफिलिंग की बात कही गई थी इसलिए हमने ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया है कि ज़्यादा जो है वो फिल कर रहा है बॉक्स, मीन जो है वो 500 से ज़्यादा है। फिर थर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सवाल में गिवन था अल्फा इक्वल टू 0.05। इसके बाद हम चलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर एन हमारे पास 100 था, एन बड़ा था 30 से, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन था पॉपुलेशन का, इसलिए हमने जी टेबल का इस्तेमाल किया। जी के फॉर्मूले को यूज़ किया हमने और वैल्यू पुट कर दी, एक्स बार मतलब सैंपल का जो मीन था 504 माइनस म्यू की प्लेस पर 500, सिग्मा की प्लेस पर 25 गिवन था सवाल में, एन नंबर ऑफ सैंपल्स 100 था। इसको सॉल्व किया, 100 का रूट लिया तो 10 आ गया, माइनस करवाया 504 से 500 तो 4 आ गया, 25 डिवाइड बाई 10 2.5 आ गया, 4 डिवाइड बाई 2.5, तो जी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 1.6। ये वैल्यू फॉर्मूले को सॉल्व करके कैलकुलेट की गई है, इसलिए हम इसे कहते हैं जी की कैलकुलेटेड वैल्यू। इसके बाद चलते हैं फाइव लेवल पर, अपने फिफ्थ लेवल पर, क्रिटिकल रीजन। अब देखिए यहाँ पर हमें यूज़ करना होता है अल्फा की वैल्यू को, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमें गिवन था उसे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्लास हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि हम वन टेल टेस्ट कर रहे हैं या टू टेल टेस्ट कर रहे हैं। वन टेल टेस्ट का मतलब होता है कि हम अल्टरनेटिव जो है हमारा वो वन साइड है, हमें वन साइड चेक करना है। देखिए यहाँ पर हम वन साइड ही चेक कर रहे हैं, एच वन जो है वो ज़्यादा है 500 से, तो ज़्यादा है यानी राइट टेल टेस्ट कर रहे हैं और वन साइड टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने अल्फा की वैल्यू को ऐसे यूज़ कर लिया 0.05। 0.05 को हमें बुक में पेज नंबर 563 पर जो है वो सर्च करना होगा। किस तरह सर्च करते हैं हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा ये एग्ज़ाम में गिविन भी होती है, जी की टेबल वैल्यू आपको एग्ज़ाम में गिविन होगी, और 0.05 को आप बुक से भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो जी की आ गई हमारे पास टेबल वैल्यू 1.65, ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि फार्मूले से आई थी, और ये हमारी टेबल वैल्यू जो कि हमने अल्फा को 0.05 को टेबल में सर्च कर जो है वो निकाली है 1.65, ये कहला रही है जी की टेबल वैल्यू टाइप एग्जाम में गिवन है। इसके बाद हम पहुँचते हैं अपने अगले स्टेप पर जो क्या है, कंक्लूजन। देखिए कंपेयर करके मैंने कहा था कि हम रिजल्ट को जो है वो बता रहे होते हैं कि हमें रिजल्ट करना है या एक्सेप्ट करना है कि एच नोट सही है या नहीं, तो हमने कंपेयर इस तरह करना होता है कि जी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है अगर वो छोटी होती है टेबल वैल्यू से तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एच नोट को, और अगर जी की कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है जी की टेबल वैल्यू से तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नोट को। यहाँ पर जी की कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है जी की टेबल वैल्यू से, इसलिए हमने अपना कंक्लूजन दिया वी एक्सेप्ट एच नोट, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एच नोट को एंड रिजेक्ट एच वन। द हाइपोथेसिस दैट द मशीन ओवर फिलिंग द बॉक्सेस, हमने एक्सेप्ट कर लिया एच नोट को कि यहाँ पर जो है वो अपनी टेबल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है हमारी कम है, इसलिए हमने एच नोट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्लास यहाँ पर हमारी एक एग्जाम्पल सॉल्व हो गई जो हमने जी स्कोर के जरिए जो है वो सॉल्व की। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर टू पर। एन इलेक्ट्रिक फर्म
लाइट बल्ब्स दैट हैव अ लेंथ ऑफ लाइफ दैट इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन 1600 आवर्स एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 80 आवर्स. पूरे इलेक्ट्रिक फर्म की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये म्यू गिवन है हमें 1600 और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा गिवन है आपको पॉपुलेशन का 80. क्योंकि यहाँ पर सिग्मा गिवन है इसलिए हम यहाँ पर जी टेबल का इस्तेमाल करेंगे. आपको सवाल को इस तरह पहचानना होगा कि हमें यहाँ पर जी टेबल यूज़ करना है या फिर टी टेबल यूज़ करना है. क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का गिवन है तो इसलिए हम यहाँ पर जी टेबल का इस्तेमाल करेंगे. टेस्ट द हाइपोथेसिस, टेस्ट करना है हमें हाइपोथेसिस डेट म्यू इक्वल टू 1600 आवर्स अगेंस्ट द अल्टरनेटिव म्यू इज नॉट इक्वल टू 16 आवर्स. देखिए इस तरह हमें डायरेक्टली वो दे देता है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, एच नोट ये है और एच वन जो है वो अगेंस्ट द अल्टरनेटिव. अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, म्यू इज नॉट इक्वल टू 1600. अब हमें इसको जो है वो स्टैब्लिश करके सॉल्व करना होगा पूरा सवाल. अब देखिए यहाँ पर सैंपल की बात कर रहा है, सैंपल की बात वो बाद में कर रहा है कि सैंपल सेलेक्ट किया गया 30 बल्ब्स का तो उसकी एवरेज लाइफ यानी एक्स बार जो आ रहा है सैंपल का जो मीन आ रहा है वो 1576 आ रहा है. यूज करना है हमें 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. यहाँ क्लास आपको सिर्फ ये जो है वो डिफरेंस रखना होगा कि म्यू क्या है, एक्स बार क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या है और एस यानी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या डिस्क्राइब कर रहा है. चलते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले क्रिएट किया हमने नल हाइपोथेसिस एच नोट जो कि गिवन था कि म्यू बराबर है 1600 के. दूसरा एच वन यानी म्यू बराबर नहीं है 1600 के. इसके बाद अल्फा सवाल में गिवन था 0.01. क्लास यहीं पर ही हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है. ये टू टेल टेस्ट है, हमें दोनों साइड चेक करना होगा. कमती गई हुई बात क्या थी कि म्यू बराबर है 1600 के, हमें चेक करना है कि म्यू बराबर नहीं है 1600 के. ये ज़्यादा भी हो सकता है 1600 से और कम भी हो सकता है. दोनों साइड चेक करते हैं लेफ्ट और राइट, तो ये नॉट इक्वल टू का साइन हमने यूज़ किया है. इसके बाद फोर स्टेप क्लास टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन सा फॉर्मूला यूज करें. हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि जी टेबल यहाँ पर इस्तेमाल होगा. क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है. इसके बाद हमने वैल्यू को पुट कर दिया एक्स बार की प्लेस पर सैंपल का मीन, म्यू की प्लेस पर मीन ऑफ पॉपुलेशन, सिग्मा की प्लेस पर स्टैंडर्ड डेविएशन और एम की प्लेस पर नंबर ऑफ सैंपल. इसके बाद सॉल्व किया हमने 1576 माइनस 1600 24 आ गया. रूट लिया हमने तो आ गया 5.477, 80 से डिवाइड किया तो आ गया 14.60, 24 डिवाइड बाय 14.60 तो हमारी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई माइनस में 1.64. माइनस में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर हमने 1576 को माइनस करवाया था 1600 से, ये क्योंकि बड़ी वैल्यू है इसलिए हमारी वैल्यू माइनस में आ रही है. माइनस में वैल्यू आ सकती है, नो इशू. तो ये आपकी जी की आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू. इसके आगे चलते हैं फिफ्थ स्टेप पर क्रिटिकल रीजन. अब यहाँ पर हमने अल्फा को यूज़ करना होता है और टेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. क्योंकि क्लास हम यहाँ पर स्टार्ट में डिस्क्राइब कर चुकी थी मैं आपको, हम टू टेल टेस्ट कर रहे हैं, हमें दोनों साइड चेक करना है लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, मोर देन भी और लेस देन भी, ग्रेटर देन भी और लेस देन भी. तो हमने यहाँ पर क्या किया, अल्फा की वैल्यू को जब भी आप टू टेल टेस्ट करते हैं तो टू से डिवाइड करवाना होता है. वन टेल टेस्ट हमने कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू को टेबल में जाके सर्च करके जी की टेबल वैल्यू सर्च कर ली थी. लेकिन जब भी टू टेल की बात होगी तो हम अल्फा को डिवाइड करवाएंगे टू से. जो वैल्यू आई हमारे पास 0.01 डिवाइड बाई टू करवाने पर वो 0.005 है. अब इसे हमें सर्च करना होगा जी टेबल में. जी टेबल में हमने सर्च किया 0.005 तो हमारी वैल्यू आ गई जी की 2.58. अब देखिए ये 2.58 जो आएगा क्योंकि हम टू टेल टेस्ट कर रहे हैं तो राइट टेल ज़्यादा भी होगा, मतलब ग्रेटर देन में आएगा 2.58 तो प्लस में आएगा और जब हम लेस देन की बात करेंगे तो ये माइनस में भी होगा. तो मतलब दोनों साइड में कुछ इस तरह आंसर आएंगे, एक बार 2.58 को हम प्लस में लिखेंगे और एक बार 2.58 को हम माइनस में लिखेंगे. कि जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका तो एक जो है वो लेस देन में आ रही होगी वैल्यू -2.5 और एक मोर देन में आएगी 2.58. इसके बाद हम पहुंचे कंक्लूजन पर, रिजल्ट पर. हमने कहा था जब भी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है जी की टेबल वैल्यू से तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नोट को. लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू 1.64 छोटी है जी की टेबल वैल्यू 2.58 से. तो हमने रिजल्ट अपना जो है वो दिया यहाँ पर कि वी एक्सेप्ट एच नोट. हम एच नोट को, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि म्यू यानी पॉपुलेशन पैरामीटर जो मीन है वो बराबर है 1600 के. इसके बाद चलते हैं मजीद एग्जाम्पल्स की तरफ. एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं.
A sample of 64 observation is taken from a normal population. एक sample select किया गया 64 observation यानी ये n है. The sample mean is computed as 36. Sample का mean x bar 36 and standard deviation 5. ये sample का standard deviation यानी s आपको given है. देखिए अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन आप ये मत समझ लीजिए कि पॉपुलेशन का है. साफ वो कह रहे हैं आपसे द सैम्पल स्पेस इज कंप्यूटेड एज द सैम्पल मीन इज कंप्यूटेड एज 36. सैम्पल का मीन 36 है और सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है यानी ये एस है. टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट न्यू इक्वल टू 40 यानी नल हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास 40 है. न्यू इक्वल टू 40 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव एच 1 क्या है हमारे पास न्यू इज लेस देन 40. दोनों आपको गिवन है, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन हो तो हम इसे ही वहां पर कॉपी कर देंगे. और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दे रहा है 0.05. अब हमें यहाँ पर ये सोचना है कि हमें टी टेबल यूज करें या फिर जी टेबल का इस्तेमाल करें. मैंने आपसे कहा था कि एन जब भी 30 से बड़ा होगा तो हम जी टेबल का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर एन 64 30 से बड़ा है इसलिए हम यहाँ पर जी टेबल का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन तो गिवन नहीं है तो हम सिग्मा की प्लेस पर अब इस एस को यूज़ करेंगे और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्लेस करवा देंगे सैम्पल के स्टैंडर्ड डेविएशन एस से और हम 5 को यूज़ करके उसी फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे. मुझे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4. अ रैंडम सैंपल ऑफ 160 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन यील्डेड द सैंपल मीन 151 एंड सैंपल वेरियंस एस 2 इक्वल टू 250. टेस्ट द हाइपोथेसिस. अच्छा हाइपोथेसिस को चेक करना है हमें. एच नोड हमें गिवन है कि म्यू बराबर है 149 के. अगेंस्ट अल्टरनेटिव भी गिवन है एच 1 के म्यू जो है वो ग्रेटर देन है ज़्यादा है 149 है. और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास है 0.05. तो ये 160 हो गया आपके पास n, n 160 है तो हमने फौरन कहा कि यहाँ पर z टेबल का इस्तेमाल होगा. 160 मतलब 30 से बड़ा है तो हम यहाँ पर z टेबल का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन यहाँ पर देखें s 2 गिवन है तो हमने जो है वो उस लिहाज से सॉल्व करना होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्लेस करवाना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल्स है.
अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल जी टेबल के नीचे सर आ सकते थे, कंडीशंस पर तमाम मैंने डिस्क्राइब कर दी है। अब एग्जाम्पल नंबर वन चलते हैं, टी टेबल के हवाले से बात कर लेते हैं कि टी टेबल का सवाल को हम किस तरह पहचानेंगे और किस तरह सॉल्व करेंगे। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 फ्रॉम अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन इक्वल टू 1.64। सैंपल सेलेक्ट किया गया, सैंपल का साइज है 20 और इसका मीन है यानी एक्स बार है 1.64। सवाल को क्लास आपने बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है, रीड करना है, तभी आपको एक्स बार क्या है, म्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एस क्या है, क्लियर होना होगा, तभी हम जो है वो आगे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सैंपल का मीन एक्स बार, ये एन हो गया, और ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एस आपको दे दिया 2.25। Does this suggest at the 0.05 level of significance that the population mean is greater than 15? अच्छा, यहाँ पर ये sentence जो given है that the population mean यानी mu is greater than 15, ये आपको alternative hypothesis की बात कर रहे हैं, ये हमारा alternative hypothesis है। अच्छा, अब यहाँ पर कौन सा formula use करना है, t test हम करने जा रहे हैं, t table use करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर size यानी n जो है वो छोटा है 30 से, इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन नहीं है, तो जी टेबल की दोनों कंडीशन यहाँ पर लाई नहीं कर रही, इसीलिए हम यहाँ पर टी टेबल का इस्तेमाल करेंगे कि क्या है यहाँ पर एन जो है वो छोटा है 30 से। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले क्रिएट किया हमने नल हाइपोथेसिस कि म्यू की वैल्यू क्या है, लेस देन है या फिर बराबर है 15 के। ये किस तरह मालूम चला कि वहाँ पर देखें ग्रेटर देन का वर्ड यूज हो रहा था, सेंटेंस हमें गिवन था, वो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था। जब अल्टरनेटिव यानी म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन है 15 से, तो अल्टरनेटिव को देखकर हमने एच नोट इस्टेब्लिश कर लिया कि म्यू की वैल्यू या तो बराबर होगी या फिर कम होगी 15 से। इसके बाद चलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, टेस्ट कौन सा होगा, टी स्कोर को हम यूज करेंगे। इसके बाद तमाम वीडियोज़ को फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, 16.4 - 15 तो आंसर आ गया 1.4, रूट लिया हमने 20 का तो 4.472 आ गया, और डिवाइड करवाया तो 0.504 और 1.4 को डिवाइड करवाया 0.504 से, तो टी की आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू 2.776। अब इसे हमें कंपेयर करना है टी की टेबल वैल्यू से, तो हम यूज़ करेंगे अपना फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन, जहां हम यूज़ करते हैं अल्फा की वैल्यू को। अल्फा का सवाल में गिवन था अल्फा की वैल्यू 0.05। यहां पर मैंने स्टार्ट में जब फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया था तो वहां पर मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एन माइनस वन को कहा था कि एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्लास ये होता है कि हम जब टेबल में वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो न्यू का एक साइन होगा टेबल में, वहाँ पर न्यू जो वर्टिकल हमें देखना होता है वो किस तरह देखते हैं, वर्टिकली n माइनस वन करवा कर, n यहाँ पर गिवन था कितना 20, तो n से माइनस करवाएंगे हम 1, 20 माइनस 1 तो 19। टेबल में न्यू जो यहाँ पर गिवन है इसको न्यू पढ़ेंगे हम, न्यू को हम सर्च करेंगे कि 19 कहाँ पर आ रहा है, और 0.05 को हम हॉरिजॉन्टल में चेक करेंगे तो आ जाएगी हमारी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू। दोबारा सुन लीजिए, अल्फा को हमने हॉरिजॉन्टल में देखना है कि 0.05 कहाँ आ रहा है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद मतलब n माइनस वन करने के बाद जो आंसर हमारा 19 आया है इसको हमने वर्टिकल में चेक करना है, तो 19 को वर्टिकल चेक किया, 0.05 को हॉरिजॉन्टल चेक किया, तो आ गई हमारी क्या टी की टेबल वैल्यू। ये आप बुक में पेज नंबर 564 पर आपको टी टेबल गिवन है, वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ रही है 1.729। अब हमने कंपेयर करना है, अच्छा क्लास ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट था, ये यहाँ पर एच वन को देखकर हम पहचानेंगे, ये हमारा वन टेल टेस्ट है, हमें सिर्फ वन साइड चेक करना है कि म्यू जो है वो ग्रेटर देन है, ज्यादा है 15 से। कंक्लूजन हमने रिजल्ट दिया अपना कि हमारी टेबल वैल्यू 2.77 ज्यादा है टी की टेबल वैल्यू से जो कि 1.729 है, इसलिए हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट को। एच नोट जो कि लेस देन या फिर बराबर 15 था, इसे हमने रिजेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि हमारी टेबल वैल्यू ज़्यादा आ रही है, क्रिटिकल रीजन में आ रही है, टेबल वैल्यू कम है हमारी, तो इसलिए हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया। तो टी टेबल में सेम वही प्रोसीजर है जो कि हमने जी में यूज़ किया था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम टी टेबल के जरिए जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी कैलकुलेटेड और टेबल वैल्यू को। एग्जाम्पल नंबर टू देख लेते हैं क्लास। एग्जाम्पल टू, अ रैंडम ऑफ 9 जार्स ऑफ पीनट बार वाज टेकन फ्रॉम अ लॉट ईच जार बीइंग 10.5 ऑन्स नेट वेट, द इंडिविजुअल वेट इज ऑन्स आर 10.2, 9.7, 10.29, 9, 10, 3.3, 10.3,
9.5, 9.6, 10.3, 10.4, यहाँ पॉइंट में वैल्यू गिवन है। तो क्लास ये आपको x दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मीन नहीं है सैंपल का गिवन, सैंपल का मीन हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो वैल्यूज हमें गिवन है पॉइंट फॉर्म में, ये हमें x गिवन है, इस x को यूज करके हमें मीन भी खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल भी खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, आगे कह रहे हैं टेस्ट वेदर दीज वैल्यूज आर कंसिस्टेंट विद आर पॉपुलेशन मीन ऑफ 10.5। अच्छा, यहाँ स्टार्टिंग में जो बात की गई थी 9 जार्स, तो हमारे पास ये n हो गया, n नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स के 9 जार्स जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं, ये 9 हो गया। और जो सैंपल के जो वैल्यू गिवन है, जो x गिवन है हमें हमारे पास, उसे यूज करके हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ये 10.5 क्या है, ये 10.5 जो है ये हमारे पास म्यू है, यानी मीन ऑफ पॉपुलेशन है। तो इसके लिए कह रहा है आपसे कि वेदर दीज वैल्यूज आर कंसिस्टेंट विद आर पॉपुलेशन मीन ऑफ 10.5। कंसिस्टेंट की बात हो रही है, तो इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू इस्टेब्लिश करेंगे हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंट का वर्ड यूज हो गया है। अज्यूम डेट द वेट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूज 0.05, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिया हमें। चलते हैं सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले हमने अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया कि वो आ रहा, सॉरी नल हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया कि क्या है 10.5, क्योंकि वहाँ पर कंसिस्टेंट का वर्ड यूज हुआ था, तो हमने कहा कि H1 जो होगा अल्टरनेटिव जो होगा वो उसका अपोजिट होगा, इज नॉट इक्वल टू। यहीं से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टू टेल टेस्ट है, हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड को चेक करना पड़ेगा। अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01। इसके बाद स्टेटिस्टिक्स टेस्ट करना है हमें, तो हम यहाँ पर टी टेबल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n जो था वो 9 जार्स था, n जो है वो छोटा है 30 से, और स्टैंडर्ड डेविएशन डी सिग्मा भी हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर टी टेबल का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही x जो वहाँ पर गिवन था उसे मैंने यूज़ किया। x को यूज़ करके सबसे पहले मैंने x स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। ये x और x स्क्वायर क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि इसकी मदद से हमें मीन कैलकुलेट करने में हेल्प होगी। मीन का फॉर्मूला समीशन x डिवाइड बाय n, वही पुराना फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हुए आए हैं चैप्टर 2, समीशन x डिवाइड बाय 2 हमने यूज़ किया मीन का फॉर्मूला। समीशन x कहाँ से आएगा, x गिवन था, इन तमाम वैल्यूज को प्लस कर दिया, आ गया 90। समीशन x के प्लेस पर 90 रखा, डिवाइड बाय n, n मतलब कितने जार सेलेक्ट किए गए हैं, वहाँ पर 9 जार सेलेक्ट किए गए थे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास 9 ही है, तो यहाँ पर 9 पुट कर दिया, 90 डिवाइड बाय 9 तो आ गया 10 आपका आंसर, ये आ गया मीन का आंसर, मतलब x बार का आंसर आ गया। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फॉर्मूले को हम डिस्क्राइब कर चुके थे, हमने टी फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया था। जब हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर का कॉलम भी रेडी कर किया हुआ है यहाँ पर। एक्स का हमने स्क्वायर लिया 10.2 का स्क्वायर 10, 104.04, इस तरह तमाम वैल्यूज का हम स्क्वायर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कॉलम रेडी हो जाएगा। फिर हमें स्क्वायर का सम चाहिए, तमाम वैल्यूज को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का सम आ गया 900.9। ओके, एक्स का सम हमें गिवन था यहाँ पर 90, एन चाहिए, एन 9 सवाल में गिवन था, तमाम वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, एन की प्लेस पर 9 रखा, समीशन एक्स स्क्वायर के प्लेस पर 900.9 रखा, माइनस साइन ऐसी आ गया, समीशन एक्स 90 इसका स्क्वायर देन डिवाइड बाय एन, एन 9 था, 9 माइनस 1 ऐसी पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एस का आंसर आ गया, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल का आंसर आ गया 0.335। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हमने टी टेबल इस्तेमाल करना है। टी टेबल का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, एक्स बार की प्लेस पर अभी हमने सैंपल का मीन कैलकुलेट किया 10, उसे पुट कर दिया, म्यू की प्लेस पर 10.5 सवाल में गिवन था हमें मीन ऑफ पॉपुलेशन, उसे ही पुट कर दिया, एस की प्लेस पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल 0.335 अभी कैलकुलेट किया हमने वो पुट कर दिया, एन की प्लेस पर 9 पुट कर दिया, 9 जार्स हमने सेलेक्ट किए थे। पूरा सॉल्व किया तो आगे टी की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 4.48। अब इसे भी कंपेयर करना है तो हमने यूज किया अपना पांचवा स्टेप क्रिटिकल रीजन और हमने अल्फा को यूज किया 0.05। अच्छा, 0.05 अल्फा यूज करना है, n माइनस 1 है इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास n 9 था तो 9 में से 1 को माइनस करवा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। टू टेल टेस्ट कर रहे हैं हम, तो हमारी जो अल्फा की वैल्यू थी वो डिवाइड बाय 2 होगी। जब भी हम टू टेल टेस्ट करेंगे तो अल्फा की जो भी वैल्यू होगी वो डिवाइड बाय 2 होगी। वहाँ पर 0.01 था तो उसको डिवाइड करवाया तो आंसर आया 0.025। अब इसको हमने देखना है अपने टी टेबल में जाकर।
अच्छा म्यू जो आपने टेबल में जाकर म्यू की वैल्यू देखनी है, न्यू न्यू का साइन होगा उसकी वैल्यू देखनी है तो वो 8 सर्च करेंगे हम वर्टिकल जाकर, और 0.025 हमें देखना होगा हॉरिजॉन्टल जाकर, तो आ जाएगी टी की टेबल वैल्यू जो कि क्या है 2.306, ये आपको एग्जाम में गिवन होगी। टेबल वैल्यू निकालने के बाद अब हमें कंपेयर करना है, 4.48 हमारी आ गई थी कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू हमारी आ रही है 2.306। अच्छा जी क्योंकि हम टू टेल टेस्ट कर रहे हैं इसलिए ये वैल्यू एक बार हमने प्लस में लिखी और एक बार हमने माइनस में लिखी, राइट टेल टेस्ट भी किया तो प्लस में आंसर आया 2.306 और लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो माइनस में आंसर आएगा ये वाला -2.306। कंक्लूजन दिया हमने कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, 4.48 बड़ी वैल्यू है 2.306 से, इसलिए हम एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे। जो बात एच नोट में कही गई है जो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में आ रही है, टेबल वैल्यू से ज़्यादा है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, इसलिए हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो है वो जी और टी टेबल हमने कवर कर लिया सिंगल मीन के हिसाब से कि जब हमें सवाल में एक मीन गिवन था तो हमने जो है उसको यूज करके अपना जो है वो जी टेबल और टी टेबल कैलकुलेट करना सीख लिया कि किस तरह जो है वो जी फार्मूला और टी फार्मूला का यूज करते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं। आज की सेशन में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।